दोस्तों फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन से एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए वाई माइनस कोस थीटा देन फाइंड द वैल्यू डी ओ डी एस, यानी फाइंड हमको क्या निकाला, फाइंड डी ओ बाई डी एस। ये क्वेश्चन ने एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम बनता है। चलिए इसको शुरू करते हैं, किस तरह बनाए कि एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, इसको सबसे पहले से लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या निकालना, डिफरेंशियल निकालना, क्या लिखना है, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। चलिए एक्स, क्योंकि हमको इसको एक बार डी एक्स में धीरे धीरे निकालना है, इसको वाई इक्वल टू थीटा के रेस्पेक्ट में, इधर जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। यहाँ थीटा तो थीटा के रेस्पेक्ट जब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू, हम किसके रेस्पेक्ट का डिफरेंशियल कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यानी डी एक्स वाई डी थीटा, डी एक्स वाई डी थीटा, तो मेरा क्या जो एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, वन, और साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, कोसेक्स। इतना तो आपको समझ में आ गया। और वन माइनस कोसेक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा कि वन माइनस कोसेक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये मेरा क्या था, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला होता है। आई होप आपको समझ में, यानी कि मेरा डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू निकल गया कितना, ए इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा इक्वेशन वन। इतना दूर आई होप आपको समझ में आ गया। फिर एंड हमको किसको निकालना है, इसको निकालना है, एंड एंड आपको लिखना है, एंड वाई इक्वल कितना दिया है, वाई इक्वल दिया है ए वन माइनस कोस थीटा, इतना दूर आपको दिया हुआ है। इसको भी हमको डिफरेंस करना है किसका रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, थीटा, हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, आप लिखिएगा आराम से, ठीक है। तो डी वाई वाई डी थीटा इक्वल टू क्या, एक एक क्या है मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वन का कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। और यहाँ पे कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस साइन, तो यहाँ टू माइनस है और कोस का डिफरेंशियल माइनस, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद ये मेरा क्या है, जीरो है, ठीक है। यानी कि डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू क्या हुआ, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा जब भी रहेगा टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी जब यहाँ टू रहेगा तो एंगल क्या होता है, इधर हाफ हो जाता है, इधर थीटा, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। आई होप डी वाई डी थीटा का वैल्यू आपको इतना दूर आपको समझ में आई है। हमको निकालना क्वेश्चन में क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई वाला ऊपर में और एक्स वाला नीचे में, तो वाई वाला ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला क्या आएगा, नीचे आएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन टू, मतलब हमको डिवाइड करना क्या है, टू भागा क्या करना, वन करना है। जब टू मेरा करेंगे तो मेरा टू क्या है, डी वाई बाई इक्वेशन टू रूट डी वाई बाई डी थीटा, और क्या डिवाइड करना है, डी एक्स बाई डी थीटा। आपको समझ में आ गया, डी वाई डी एक्स वैल्यू मेरा कितना निकला, ए इंटू ए, देखिए टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू, और डी एक्स बाई डी थीटा मेरा कितना निकला है, ए इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी कि जो हम नीचे में निकलेंगे डी एक्स बाई डी थीटा की जगह हम कितना बैठाएंगे, ए इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखिए यहाँ पे ए मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या मेरा स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर दो टू एक टू कट जाएगा, मेरा बचा क्या, यहाँ पर डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर में बचा ओनली कोस थीटा बाई टू, और नीचे में क्या बचा, साइन थीटा बाई टू। आई होप इतना दूर आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जब करेंगे इसको डिफरेंशियल, इसके बाद यानी कि उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कोस साइन क्या होता है, कोट थीटा बाई टू। इतना अगर आप लिख दीजिए तो आपको गारंटी के फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप इतना अगर आपको समझ में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी वी आई क्वेश्चन है, वी वी आई क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप बनाते रहिएगा तो आपको गारंटी है कि फुल मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह अगर बनाएंगे, इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एन सी आर टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया। इसी तरह का अगर क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं अगर ये, तो इस वीडियो को प्लीज करके सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बहुत आसानी तरीके से हम बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।